हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं असम राइफल में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर आपको कैसे पहुंचना है, ठीक है। हाउ टू रूज अवर ट्रेनिंग सेंटर, अपने ट्रेनिंग सेंटर पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पे किस तरीके से हमें वहां पे हम लोगों को ट्रेन से जाना है, कैसे आपको मतलब वहां पे जाना होगा, तो उसके ऊपर पूरी बात करेंगे आज के वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि आप आज हमारा दोस्तों जो 5000 जो मतलब कि फैमिली है यूट्यूब की वो अपनी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दोस्तों। और आप इसी तरीके से मुझे मतलब सपोर्ट करते रहिए ताकि दोस्तों मैं आगे आपको और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए लाता रह सकूं, ठीक है। देखो दोस्तों, फिर अपने चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो देखो सब आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है टोटल दोस्तों, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर नहीं दोस्तों, जो आपके ये सेंटर है जहाँ पे आपका ये होने वाला है पीएसटी पीईटी और जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, ये टोटल आपके 7 सेंटर है, ठीक है, जिसमें दीफू, दीमापुर, सुखोवी, शिलोंग, हाफलोंग, जोराट और लोकरा है। यहाँ पर आपको किस तरीके से जाना है ये बात करूंगा मैं इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं दीफू की दोस्तों, ठीक है। दीफू में आपको किसको जाना है, तो दीफू में आपको पता होगा आपकी ट्रेड कौन सी होगी दोस्तों। ट्रेड तो अब देखो मेरे को भी थोड़ा याद नहीं है। तो देखो दीफू के अंदर लगभग आपकी क्लर्क की और आया की दोस्तों ट्रेड है शायद, है ना। तो दीफू के अंदर आपको कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ आपको यूं नहीं बता सकता कि आप मान लो कोलकाता से आते हो, यानी आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, या फिर आप दोस्तों कहीं और से बिलोंग करते हो, या फिर नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर आप दोस्तों वेस्टर्न साइड से बिलोंग करते हो, तो पूरा दोस्तों मैं आपको हर जगह की तो ट्रेन के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन एक दोस्तों मैं बिल्कुल मतलब जो अपना सेंटर पॉइंट है, जो अपने दोस्तों जो अपनी राजधानी है, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली से दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली से आपको किस तरीके से कैसे कैसे आपको ट्रेन मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन बहुत आती है जिसके अंदर IRCTC की एप्लीकेशन भी होती है और एक वेयर इज माई ट्रेन की एप्लीकेशन भी होती है, जिसमें आप जाकर अपने जो स्टेट से, अपने जो भी आपकी आपकी डिस्ट्रिक्ट से जो भी अगर ट्रेन वगैरह कोई जाती हो तो वहां से आप जरूर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिल्ली से बता देता हूँ। दिल्ली से दोस्तों दीफू जाने के लिए आपको दोस्तों सिंपल एक ट्रेन मिलेगी जिसमें आपको राजधानी हो गई, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गई, या फिर आपको अवध असम एक्सप्रेस होगी, ऐसी ट्रेन आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों डायरेक्ट दीफू के लिए ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट दीफू के लिए ट्रेन मिल जाएगी, डायरेक्ट, कहीं भी आपको बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा डायरेक्ट आपको ट्रेन वहां पे मिल जाएगी दीफू के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब जितने भी वो आपको पैसे वैसे लगते हैं आप रिजर्वेशन आप पहले करवा लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएगी। और दीफू उतरने के बाद दोस्तों दीफू के जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है, दीफू का जो रेलवे स्टेशन है वहां से कितना दूर है दोस्तों, वहां से आपको लगभग लगभग 40-50 रुपए लेगा दोस्तों आपको ARTC दीफू के सामने छोड़ने के लिए ऑटो वाला दोस्तों, ठीक है। ऑटो वाले मिल जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर से, सॉरी बाहर निकलते ही आपका, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको दोस्तों मिल जाएगा ARTC में दोस्तों, आपको 20-30-40 रुपए लेगा, वो आपको दीफू में छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों दीमापुर जाने के लिए क्या है, दीमापुर के लिए भी दोस्तों डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, गुवाहाटी से भी दोस्तों डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आपको, ठीक है, और आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, दिल्ली से भी मिल जाएगी, गुवाहाटी से भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप जैसे मुजफ्फरपुर बिलोंग, यहां से दोस्तों बिलोंग करते हो तो यहां से भी दोस्तों आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है दीमापुर के लिए, ठीक है, दीमापुर के लिए ही आपको मतलब कि यहां से आपको जाना है। और दीमापुर में जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद दोस्तों आपको लगभग ज्यादा रुपए नहीं लेगा दोस्तों, जो थर्ड माइल आपको जो दीमापुर में थर्ड माइल है वहां पे दोस्तों आपको 20-30 रुपए लेगा ऑटो वाला, वो आपको दोस्तों थर्ड माइल भी छोड़ देगा, ठीक है, 20-30 रुपए लेगा वो आपको थर्ड माइल छोड़ देगा, ज्यादा आपको मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको दीमापुर में ट्रेन अपना सेंटर ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका दीमापुर भी हो जाएगा, दीमापुर भी आप डायरेक्ट आपकी ट्रेन चलती है वही आपको गुवाहाटी से दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी, कहीं भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ट्रेन की, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, क्योंकि दोनों के दोस्तों आपके बने हुए हैं, आपके दोनों के आपके रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, दोनों के रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको जयपुर से भी फ्लाइट मिल जाएगी, और दोस्तों आपको यहाँ दिल्ली से भी फ्लाइट मिल जाएगी, और आपको जैसे इंदौर से भी फ्लाइट मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आपसे फ्लाइट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। और दीमापुर दोस्तों आपका जो आपका एयरपोर्ट है वो आपका दीमापुर में, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे आपको फ्लाइट से भी आप उसके अंदर जा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों सुखोवी, सुखोवी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों दीमापुर के जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे जाना होगा, ठीक है, दीमापुर रेलवे स्टेशन पे आपको रुकना होगा, ठीक है, दीमापुर का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आपको जाना होगा सबसे पहले सुखोवी जाने के लिए। दीमापुर उतरने के बाद दोस्तों आपको वहां से ऑटो मिलेंगे, ठीक है, वहां से आपको दोस्तों ऑटो मिलेंगे, ऑटो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको 7 माइल के लिए ऑटो मिलेगा, ठीक है, 7 माइल के लिए, 7 माइल से दोस्तों फिर आपको सुखोवी के लिए ऑटो मिल जाएंगे,
ठीक है, सुखोवी के लिए ऑटो मिल जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑटो मिलेगा सबसे पहले 7 माइल के लिए, वहां से जाते हैं आपको लगभग 50-60 रुपए के आसपास यहाँ से लेगा, और आगे 7 माइल से सुखोवी के लिए भी आपको 80 रुपए के आसपास यहाँ से लेगा, ठीक है। और डायरेक्ट ऑटो भी आपको दोस्तों मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑटो भी मिल जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट जाते हैं जब पीएसटी पीईटी के लिए, तो आपको डायरेक्ट ऑटो काफी लड़के मिलकर आपस में डायरेक्ट ऑटो कर लेते हैं, वो भी आपसे टोटल लगभग 100 या 150 रुपए के बीच बीच में दोस्तों आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है। टोटल आपको दीमापुर से 100-150 रुपए के आसपास आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको डायरेक्ट सुखोवी आपको पहुंचा देगा, ठीक है, सुखोवी आपको पहुंचा देगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। सुखोवी में आपका दोस्तों आपको पता होगा यूपी और बिहार के जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनका ही दोस्तों आपका यहाँ पे पीईटी पीएसटी होने वाला है, जिसमें आपके जो ORL है दोस्तों, ठीक है, यानी ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के जो भी कैंडिडेट है, आपको सबसे पहले दीमापुर जाना है, वो भी आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, आप कहीं से भी देखोगे आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी दीमापुर के लिए। दीमापुर से फिर आपको 7 माइल, अगर आप जैसे अलग अलग करके जाओगे तो 7 माइल, 7 माइल से सुखोवी, ऐसे डायरेक्ट आपको ऑटो भी मिल जाएगा 100-150 रुपए के आसपास सबसे टोटल पैसे लेने वाला है वो, ठीक है। शिलोंग दोस्तों, शिलोंग जाने के लिए आपको दोस्तों गुवाहाटी जाना होगा, ठीक है, गुवाहाटी जाना होगा दोस्तों, गुवाहाटी से आपको जाना होगा, ठीक है। आप जब सबसे पहले जाओगे आप दिल्ली से, जैसे गुवाहाटी की ट्रेन आपको बहुत मिल जाएंगी, आप कहीं से भी हो, कहीं से बिलोंग करते हो आप ऑल इंडिया में, तो गुवाहाटी की ट्रेन आपको दोस्तों वहां से जरूर मिल जाएगी, तो गुवाहाटी ही सबसे पहले जाना है आपको। गुवाहाटी में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों शिलोंग में डायरेक्ट ट्रेन आपकी जाती है, शिलोंग में आपकी डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, आपको गुवाहाटी या तो एयरपोर्ट पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, या तो उसके फ्लाइट के थ्रू जाना पड़ेगा या ट्रेन के थ्रू आप गुवाहाटी पहुंचोगे। गुवाहाटी जाने के बाद आपको दोस्तों लगभग सुबह 7 या 8 बजे के आसपास, ठीक है, सुबह सात या आठ बजे के आसपास दो बस चलती है, ठीक है, गुवाहाटी बस स्टैंड से सुबह 7 या 8 बजे के आसपास दो बसें चलती हैं, 7 और 8 बजे दो बसें चलती हैं। वो बसें दोस्तों आपको टोटल, अगर आप बस से जाओगे तो बस से आपको टोटल दोस्तों 180 रुपए किराया लगेगा शिलोंग के लिए, ठीक है, 180 रुपए किराया लगेगा। उसके बाद दोस्तों बस जहां पर आपको शिलोंग पे आपको पहुंचा देगी बस स्टैंड पर शिलोंग के, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगेगा, 180 रुपए किराया लगने के बाद उसके बाद लाठीकोर दोस्तों, ठीक है, लाठीकोर आपका जो DJR है, ठीक है, यानी कि आपको टोटल DJR तक पहुंचने के लिए, शिलोंग पहुंच जाने के बाद भी आपको DJR पहुंचने के लिए, जहां पे आपका दोस्तों ये आपका जो भी PAT PST होगा, तो वहां पे भी लगभग आपको अल्टो जो कार वगैरह होती है या फिर दोस्तों ऑटो वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। टोटल आपको वहां से 100 से 150 रुपए और लगेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी आपको शिलोंग पहुंचने के बाद भी आपका दोस्तों 100 से 150 रुपए के आसपास और पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, यानी टोटल दोस्तों गुवाहाटी से बस में जाओगे तो 180 रुपए किराया लगेगा, और 180 के बाद दोस्तों आगे शिलोंग के बाद भी आप जाओगे अपने सेंटर तक, तो आपको लगभग 100 से 150 रुपए के आसपास आपसे दोस्तों पैसे आपके लगने वाले हैं। 7-8 बजे के बाद दोस्तों अगर आप पहुंचते हो तो लगभग वहां से दोस्तों आपकी टाटा चलती है दोस्तों, ठीक है, टाटा आपकी चलती है वहां से, जो भी आपके दोस्तों वहां पे मिल जाएंगे आपको साधन, ठीक है, वो आपकी टाटा सुमो वगैरह दोस्तों चलती है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे टोटल दोस्तों आपसे फिर बस तो 180 रुपए लेती है, लेकिन जो टाटा सुमो है दोस्तों वो आपसे लेगी, जो टाटा सुमो है वो आपसे लेगी लगभग 300 रुपए के आसपास, ठीक है, 300 रुपए के आसपास आपसे वो पैसे लेगी। 300 रुपए के बाद आपका वही आपका 100-150 रुपए आगे आपका सेंटर के लिए लगेगा, तो टोटल ये आपका दोस्तों शिलोंग का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमने बात करते हैं हाफ लॉन्ग की, तो हाफ लॉन्ग भी दोस्तों डायरेक्ट ट्रेन चलती है आपकी, तो लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखना, लेकिन दीमापुर वाली ट्रेन दोस्तों हाफ लॉन्ग नहीं जाएगी, ये आपकी दोस्तों दीमापुर वाली नहीं, लामडिंग के बाद दोस्तों, ठीक है, लामडिंग के बाद आपकी दोस्तों ऐसे कर हाफ लॉन्ग आपका आ जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएगी। ऐसी ही ट्रेन देखना दोस्तों, वेयर इज माई ट्रेन है एक एप्लीकेशन, उसमें लिख देता हूं, ठीक है, वेयर इज माई ट्रेन दोस्तों, इस पर आप जाके देखना, ठीक है, तो गुवाहाटी से आपको दोस्तों मिल जाएगी, गुवाहाटी से डायरेक्ट आपको हाफ लॉन्ग, न्यू हाफ लॉन्ग के नाम से दोस्तों स्टेशन है इसका, स्टेशन आपका नाम हाफ लॉन्ग के नाम से नहीं है, न्यू हाफ लॉन्ग के नाम से दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, न्यू हाफ लॉन्ग के नाम से स्टेशन है, तो न्यू हाफ लॉन्ग के नाम से स्टेशन आपका दोस्तों हो जाएगा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको, डायरेक्ट आपको ट्रेन इसके अंदर मिल जाएगी और स्टेशन के पास ही दोस्तों आपको आपका वो सेंटर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं इसके अंदर जोराट, तो दोस्तों जोराट के लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी, ठीक है, जोराट के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, जैसे आप गुवाहाटी से डायरेक्ट ट्रेन आपको जोराट के लिए मिल जाएगी, ठीक है, या आप दिल्ली से गुवाहाटी आइए, गुवाहाटी से आपको डायरेक्ट जोराट के लिए मिल जाएगी, या फिर दिल्ली से आप दीफू से भी आपको मतलब आपको मिल जाएगी ट्रेनें जोराट के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। लामडिंग जंक्शन से आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, लामडिंग से भी आपको मिल जाएगी जोराट के लिए, तो आपको काफी अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आपको जोराट जाने के लिए भी, ठीक है, जोराट के लिए भी आपको डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी जोराट के लिए। अब बस था दोस्तों लोकरा, तो लोकरा जाने के लिए दोस्तों आपको एक आपका स्टेशन आता है दोस्तों रामपरा दोस्तों, ठीक है, क्या दोस्तों आपका
आपका दोस्तों कौन सा स्टेशन आता है दोस्तों, मैं आपको लिख 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 के बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका दोस्तों एक ऑप्शन आता है आपका, एक रंगापरा दोस्तों, ठीक है, रंगापरा आपका दोस्तों एक आपका स्टेशन आता है, ठीक है, रंगापरा। ये दोस्तों आपका, ये आपको दोस्तों गुवाहाटी से मिलेगी आपको ट्रेन, रंगापरा, आप रंगापरा के लिए आपको, ठीक है, रंगापरा के लिए आपको गुवाहाटी से मिलेगी। तो रंगापरा आप जैसे ही उतर जाओगे, रंगापरा से लगभग दोस्तों 18 किलोमीटर के आसपास दोस्तों आपका पड़ेगा ये सेंटर आपका लोकरा का, ठीक है, 18 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा रंगापरा से। तो वहां पर दोस्तों आपको बस वगैरह या फिर आपको जो भी आपको ऑटो वगैरह वो वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ट्रेन लोकरा के लिए नहीं मिलेगी, लोकरा के लिए सबसे पहले रंगापरा वाला स्टेशन पर आपको जाना होगा, रंगापरा से आपको दोस्तों ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है कि कहाँ डायरेक्ट ट्रेन चलती है और कहाँ पर दोस्तों आपकी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, दीफू के अंदर आपकी डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, दीमापुर के अंदर डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, आपकी दोस्तों हाफलोंग के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, ठीक है, और दोस्तों किसी और जोहराट के लिए दोस्तों डायरेक्ट ट्रेन आपकी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको सुखोवी के लिए आपको दीमापुर जाना पड़ेगा, ठीक है, शिलोंग के लिए आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको दोस्तों मैं बता दूं, और लोकरा के लिए, लोकरा के लिए आपको रंगापरा नाम के स्टेशन पे आपको दोस्तों जाना पड़ेगा, ठीक है, रंगापरा नाम के स्टेशन पे आपको जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। दिल्ली से मैंने बताया दोस्तों सबको, बाकी आप दोस्तों मैंने ये एप्लीकेशन बताई दी है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना जो भी आपका नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देखना लगाकर कोई ट्रेन आपकी चलती हो, या नियर अबाउट कोई भी जो बड़ा स्टेशन है वहां से आप करके देखना। जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई भी आप डाल के देखना, मुंबई टू आपकी जोरहाट डाल के देखना, अगर आपकी कोई ट्रेन जाती हो तो। मुंबई से गुवाहाटी के लिए तो दोस्तों काफी ट्रेनें मिल जाएंगी, ठीक है। गुवाहाटी एक ऐसा स्टेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, गुवाहाटी एक ऐसा स्टेशन है दोस्तों, गुवाहाटी से दोस्तों आपको हर जगह की ट्रेन, आपको कहीं भी आप जा रहे हो आपको हर जगह की ट्रेन आपको मिल जाएगी, जो एक्सेप्ट दोस्तों जो ये है आपकी शिलोंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो आपके जो है ही नहीं दोस्तों आपके रेलवे स्टेशन, तो यहाँ के लिए तो ट्रेन नहीं मिलेगी। बल्कि गुवाहाटी तक का आप दोस्तों देख लो, गुवाहाटी तक आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपको दोस्तों हर जगह की ट्रेन आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप सबसे बाकी आपको डायरेक्ट अगर ट्रेन दीफू की, दीमापुर की, और दोस्तों यहाँ की हाफलोंग की या जोरहाट की कहीं भी मिलती है तो डायरेक्ट ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेन आप जरूर देखना, जो भी आपका, जो भी आपके नियरेस्ट कोई बड़ा कोई स्टेशन है, जैसे कि मुंबई में हो, पुणे में हो, ठीक है, या फिर दोस्तों आप जैसे आप वेस्ट बंगाल में कोलकाता से हो, ठीक है, उड़ीसा में, इस तरीके से अगर आपको कोई नियरेस्ट कोई आपको बड़ा जंक्शन से कोई आपकी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो दोस्तों आपको इस तरीके से आपको जाना होगा दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों फिर, बाकी आपको दोस्तों मैंने सारी चीज अच्छे तरीके से समझा दी है, पैसे ऐसे आपको बता दिए दोस्तों, आपके लगभग पैसे तो काफी लगने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों इसके अंदर, कि आपका ट्रेन, कई लड़के पूछ रहे थे कि वहां पर दोस्तों रूम वगैरह का क्या सीन है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे दोस्तों वैसा तो रूम दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वैसे मिलने को मिल भी जाते हैं 200-250 रुपए के आसपास, वो आप अगर आप कोई अच्छा रूम लेना चाहो तो। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के पास आपको दोस्तों कुछ बांस से बने हुए घर है, ठीक है, वहां पर आपको रुकने के लिए मिल जाएगा। टोटल दोस्तों आपसे 100-100 रुपए के आसपास दोस्तों पैसे लेंगे, ठीक है, 100 रुपए एक दिन का दोस्तों पैसे लेंगे वो आपसे, 100 रुपए का एक दिन का पैसे लेंगे। बाकी आपकी दोस्तों रोटी अगर आप खाते हो तो 10 रुपए की आपकी एक रोटी मिलेगी, ठीक है, अगर आप रोटी खाते हो तो 10 रुपए की एक रोटी मिलेगी, सब्जी वगैरह दोस्तों उसके अंदर आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए की एक रोटी मिलेगी और 100 रुपए आपको एक दिन का रहने का मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप शिलोंग जाते हो तो शिलोंग में दोस्तों आपको 100 रुपए का नहीं मिलेगा रहने का, कम से कम 300-400 रुपए के आसपास का आपको रूम मिलेगा शिलोंग में रहने के लिए, ठीक है। बाकी हर जगह कोई भी सेंटर पर चले जाओ 100 रुपए के आसपास वहां पर आपको दोस्तों रहने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।